इस न्यूज के प्रायोजक हैं वंश फिटनेस सेंटर, कादरी हॉस्पिटल, नई जिंदगी रोड, सोलापुर। कल एक खबर आ रही है कि कुछ संगठन ने अक्कलकोट बंद की भी हाथ दिए हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये पब्लिक इसको इसके बहकावे में नहीं आते हुए, मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस प्रशासन का काम है और पुलिस उनका काम कर रही है। जो भी मारहाण हुई, जो भी दोषी है, जिसको भी मार लगा है उसका इलाज भी हो रहा है और जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाना चाहिए और उसको सजा देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी संगठन उठ जाए, ऐसे तो रोज़ कुछ ना कुछ हर शहर में हर गाँव में होते रहता है। तो अगर आप यही करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सियासत करने की एक नया तरीका ये जो भी संगठन है इन लोगों ने ढूंढा है और इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे सिर्फ जो आपसी भाईचारा है वो ख़राब होगा। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है कि ऐसी बातों को नज़रअंदाज करें, इनको सपोर्ट ना करें और पूरे देश में, हमारे अक्कलकोट में, सोलापुर में, हर जगह अमन बनाए रखे। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि बस थोड़ा सा समझ जाए। मैं सोलापुर वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बहुत कोशिश हुई, बाहर की ताकत है यहाँ पर हमारे सोलापुर शहर में आई। जैसे कि पिछले दिनों में आप देखे होंगे कि जो भी भाजपा के आमदार थे नीतीश राणे, उनके साथ और भी कुछ लोग आकर सोलापुर का भी पीस हारमनी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन सोलापुर वालों ने बहुत ही समझदारी से, अकलमंदी से अपना भाईचारे को मेंटेन किया। तो मैं उनका भी आभारी हूँ और मैं पुलिस प्रशासन से वापस फिर से एक बार अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। भाई आता तो भी नीतीश राणे से बैठा है, तो मेरा बॉस ऊपर बैठा है, वो सिर्फ मेरा ही बॉस नहीं, हम सबका बॉस है। वो बॉस जब भड़क जाएगा तो यहाँ किसी बॉस की नहीं चलने वाली। तो मेरी यही अपील है कि ठीक है आप मानो किसी को, लेकिन आप लोगों को गाफिल कर उनको भड़का कर बहका कर आपस में ये फूट डालने का काम ना करें। ऊपर वाला ही सबका बॉस है और वो बॉस की मार में, उसकी लाठी में क्या बोलते हैं, आवाज़ नहीं है। तो ऐसा है तो मैं ये चाहूँगा कि ठीक है आज आप लोग की सत्ता है, आज आप लोग करिए, आप लोग का जो भी करना है करिए, लेकिन ये सब आपसी भाईचारे का ख्याल करते हुए करिए। ऐसे होता है हर शहर में, हर जगह होता है, कुछ ना कुछ दो ग्रुप्स में, दो समाज में होता है। लेकिन आपको जब एक जिम्मेदारी मिली है तो आप ये जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ताकि लोग आपस में मिलजुल के रहे। और मैं फडणवीस साहब जो हमारे देश के गृह मंत्री है, हमारे स्टेट के गृह मंत्री हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि जो नीतीश राणे ये खुलेआम आपका नाम बोल रहे हैं और मैं नहीं समझता कि आपकी प्रसिद्धि हो रही है, आप बदनाम हो रहे हो, तो आप उनके ऊपर लगाम लगाइए और उनको मना करिए कि ऐसे खुले स्टेज पर आपका नाम ना लें।